आलू की फसल में सिंचाई एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सही समय पर और उचित मात्रा में पानी दिए जाने से न केवल आपकी फसल में काफ़ी अच्छी वृद्धि होती है, बल्कि वह आपको उपज भी ज़्यादा देती है। एक ओर कम सिंचाई से जहां आलू की उपज कम हो सकती है, वहीं दूसरी ओर ज़रूरत से अधिक सिंचाई से नुकसान भी होता है। चूँकि सिंचाई में किसानों को लागत और मेहनत दोनों काफ़ी लगानी पड़ती है, इसलिए यह ज़रूरी है कि सिंचाई के तरीकों को ठीक से समझकर उसका पालन किया जाए। आलू की फसल में सिंचाई के महत्व और उसकी सिंचाई को समझने के लिए आज हम झारखंड के इचाक ब्लॉक के मंगूरा गांव में हैं, जहां भैया और दीदी हमें यह दिखाएंगे कि इसकी सिंचाई कैसे की जाती है। आलू की खेत की मिट्टी में खेत की तैयारी से लेकर पूरी फसल के दौरान हल्की नमी का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आलू के खेत में अत्यधिक नमी का लगातार बने रहना भी फसल की वृद्धि, कंदों के बनने और उसके विकास के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए बुआई के समय ही नालियों को ऐसे बनाएं कि सिंचाई के समय उसमें पानी एक छोर से दूसरे छोर तक समान रूप से लगे। नालियों की लंबाई सिंचाई के साधन के अनुसार बड़ी या छोटी रखना चाहिए, लेकिन हर स्थिति में नालियों का समतल होना सही और अच्छी सिंचाई को सुनिश्चित करेगा। सिंचाई करते समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि नालियों में पानी उसके ऊंचाई के 2/3 भाग तक हो। क्यारी में पानी कभी भी इस तरह से नहीं भरना चाहिए जिससे कि पानी क्यारी के ऊपर तक आ जाए। अगर पानी ऊपर तक आ गया हो तो उसे खेत से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी से फसल को नुकसान होता है। आलू की फसल की पहली सिंचाई अंकुरण के समय ही करना चाहिए। बीज लगाने के 5 से 7 दिन बाद इसमें अंकुरण आने लगता है। कई बार किसान बुआई के तुरंत बाद या अगले दिन ही सिंचाई कर देते हैं, इससे कोई विशेष फायदा नहीं होता है। आलू की फसल में सिंचाई को सही तरीके से और सही समय से करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तब होती है जब आलू में कंद बनना शुरू होते हैं। इस अवस्था में फसल को बहुत हल्की लेकिन बार बार सिंचाई करनी चाहिए। ऐसा करने से छोटे छोटे कंदों की संख्या कम होती है और ज़्यादातर आलू सामान आकार के बनते हैं। यह अवस्था बुआई के करीब 40 से 50 दिनों पर आती है, लेकिन किसान इसे अपने खेत में 1-2 पौधों की जड़ों को मेड़ की बगल से मिट्टी हटाकर भी देख सकते हैं। आलू के कंदों का बनना जड़ों से लगे हुए बहुत छोटे छोटे सरसों के दाने जैसे सफ़ेद कंदों के रूप में देखा जा सकता है। इस अवस्था में नालियों में पानी सिर्फ आधा ही भरे और ज़रूरत के अनुसार 5 से 7 दिन बाद फिर सिंचाई करें। कंदों की बनने की ये प्रक्रिया लगभग 1 माह तक चलती है, यानी करीब 4 हफ्ते तक फसल को हल्की लेकिन नियमित और जल्दी जल्दी सिंचाई करनी चाहिए। आलू की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 5 से 7 दिन के बाद करनी चाहिए, जब इसमें अंकुरण आ गया हो। 45 से 50 दिन की अवस्था में इसमें हल्की एवं लगातार सिंचाई करना बहुत जरूरी है।